नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीसीएल किचाट वेला क्रिएटिव लाइफ। आज ना मैं स्पीचलेस हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों का ये वीडियो सबसे पहले इसलिए है कि आप लोगों का आज मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस वाले वीडियो को इतना सपोर्ट दिया और इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और सब्सक्राइब भी किया। बहुत 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 थैंक यू है। मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से आप लोगों का आभार किया जाए और अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस में देने वाली हूँ या ला रही हूँ या आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत 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 रेयर कहीं आपको ऐसी टेक्निक्स मिलेंगी देखने को। तो चलिए स्टार्ट करूँ आज का वीडियो। आज यहाँ पे ना कंक्रीट और रेजिन का मैजिक करने वाली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कंक्रीट, जी हाँ, जिससे हमारा ये घर बनता है। और मैंने ऑलरेडी एक कंक्रीट जर्नी अपनी शेयर की है, जो कि ये वाली की थी जिसमें मैंने एक प्लांटर बनाना बताया था, वो भी रेजिन के साथ। आज भी कुछ ऐसा ही मैजिक करने वाली हूँ कंक्रीट के साथ और उसमें अपना रेजिन का कुछ ट्विस्ट डालूंगी। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद ना अगर लगे कि वाओ अमेजिंग वाला है तो यही कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है MDF का बोर्ड जो कि 16 इंच का है और यहाँ पे मैंने वाइट सीमेंट, सीमेंट और सैंड लिया है कुछ कंकड़ पत्थर ग्रेवल्स के साथ, ये अच्छी स्ट्रेंथ देगा। और ले लिया है अशोक की पत्तियाँ, आप कोई भी पत्ती ले लीजिए, बस पीछे की तरफ जो ये उभरी हुई ज़रा ज़्यादा होनी चाहिए, तो बहुत पतली लीफ आपको नहीं लेनी है। MDF पे अच्छे से फेविकॉल का कोट कर दीजिए, पानी मिक्स नहीं करना है फेविकॉल में। जब ये थोड़ा बहुत सूख जाए तब हम इस पे अपनी सीमेंट की लेयर लगाएंगे। तो इसको रखते हैं साइड में। अब हम अपनी सारी चीज़ों को करते हैं मिक्स। यहाँ जो चाय कॉफ़ी पीने का जो कप होता है, समझ लीजिए उसी कप से फुल कप मैंने वाइट सीमेंट लिया है, सीमेंट लिया है और सैंड लिया है। पहले इसको पानी नहीं डालना है, पहले इस सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए कि कहीं पे कोई भी गुट्टे या कंकड़ पत्थर ऐसे ना हो जो बहुत ही अनइवन से हो। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ग्लव्स पहनना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सीमेंट से ना हाथ बहुत रद्दी हो जाते हैं, तो ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। थोड़े से इसमें डालिए एक्रेलिक कलर, क्योंकि मैंने ब्लैक थीम में रखा है, आप कोई भी कलर डालिए, वैसे ग्रे के सीमेंट के साथ ना ब्लैक या डार्क कलर ही ज़्यादा जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया है। अच्छे से मिक्स करना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और उसको पहले हाथ से अच्छे से मिक्स करते जाना है। और जैसे हमारा पकोड़े का या ये समझ लीजिए कि डोसे का जो बैटर होता है, लगभग उतना ही गीला रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। पूरे MDF पे अच्छे से उसको फैला दीजिए, पूरा स्मूथ रहे, डैब डैब करिए, कहीं कोई भी गड्ढे टाइप से ना रह जाए। अच्छे से जब पूरा स्मूथ कर देने से क्या होगा, सैंडिंग करने में आसानी होगी, बेवजह बहुत ज़्यादा सैंडिंग नहीं करना पड़ेगा। अब हम ले लेंगे अपनी लीफ को, जिस साइड से उभरा हुआ लीफ का पोर्शन होता है उसको नीचे की तरफ रखेंगे, उसका इम्प्रेशन लेंगे। सेट कर लीजिए लीफ को और उसी तरह से उसको अच्छे से दबा दीजिए। दबाने से क्या होगा, उसके सारे इम्प्रेशन उस कंक्रीट में छप जाएंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे। तो जैसे भी आपको लीफ अपने रखने हैं, उस लीफ को अच्छे से सेट कर लीजिए, कुछ भारी चीज़ से दबा दीजिए, जिससे वो 24 घंटे एज़ इट इज़ ऐसे ही रहे, उसे हमें नहीं छेड़ना है। तो किसी अच्छे जगह सही से आप रख दीजिएगा। देखिए मेरे पास जो जो था मैंने उससे लीफ को दबा के रख दिया है, 24 आवर के लिए अभी इसे छोड़ दूँगी। निकालने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखेगा 24 आवर के बाद। अब हम जो लीफ का पोर्शन है वहाँ पे सैंडिंग नहीं करेंगे, लीफ के अगल बगल जितना भी आपको दिख रहा है इन सब जगह पे हम सैंडिंग करेंगे। और लीफ वाले पोर्शन पे क्या, अगर चाहें तो आप एज इट इज़ अब वॉर्निश कर दीजिए, गोल्डन कलर कर दीजिए और इसे ऐसे ही आप टेबल टॉप बना सकते हैं, है ना, अच्छा आइडिया। पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहा था ना अपना ट्विस्ट दूंगी। अब मैं सैंडिंग करने के बाद यहाँ पे जो लीफ वाला जो पोर्शन है उसमें चल रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक एक्रेलिक कलर कर दूंगी। थोड़ा हाईलाइट करना चाह रही थी क्योंकि मैं यहाँ पे वॉल डेकोर बनाने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे पूरा एक्रेलिक ब्लैक कलर से इसको फिल करूँगी। कलर थीम आप लोगों के ऊपर है, कुछ भी करिए। देखिए इस तरह से अब इस ब्लैक लीफ पे मैं यहाँ पे एक फेविकॉल की कोट कर दूंगी, इससे एक अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी। फेविकॉल कहीं ना कहीं एक प्लास्टिक कोटिंग का काम करता है, अगर आप देखें तो ये प्लास्टिक फैमिली से बिलोंग करता है फेविकॉल, तो ये एक ऊपर से एक अच्छे से फ्रेम का काम कर देगा। अब यहाँ पे मैंने टचवुड जो कि फर्नीचर्स में लगाए जाते हैं उसमें गोल्ड मेटेलिक कलर को मिक्स किया है, रेजिन का कलर होता है ये,
दोनों को मिक्स करिए। पूरे चारों तरफ बाउंड्री बनाऊंगी, लीफ पे जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लग रहा है मैं वहाँ वहाँ पे लाइनिंग्स बनाऊंगी। कहा ना, यहाँ पे डिज़ाइनिंग आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, मुझे ऐसे अच्छा लगा मैंने ऐसे किया। अब यहाँ 90 ग्राम रेजन मिक्स करके, यानी कि रेजन और हार्डनर दोनों को मिक्स कर दिया है और चारों तरफ अच्छे से इसको फैला दिया है। अब इसे 24 आवर के लिए छोड़ दीजिए। अगर सूखने के बाद भी अनइवन लगता है तो एक कोट और कर दीजिएगा क्लियर रेजिन का, और ये एक एज अ वॉल डेकोर बनके रेडी है। एंड सी द ब्यूटी। अब मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि इसको हम टेबल टॉप, टेबल और ट्रे का फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं। मैंने यहाँ इस तरह से ये एक टेबल लिया, उसके पीछे कुछ इस तरह से इसको लेग्स फिट करने के लिए मैंने बनवा लिए थे। तो ये आपके ऊपर है कि लेग को कैसे फिट करना है। ये इस तरह से मैंने दिखा भी दिया है कि ये यहाँ पे स्क्रू वाला इसका लेग है कुछ इस तरह से, तो इसमें ये लेग्स फिट हो जाएंगे और ऊपर की तरफ ये हमारा चारकोल का पूरा काम जो कंक्रीट का किया है वो हमारा रेडी हो जाता है। लगभग इसकी 5 से 10 mm की थिकनेस रहती है इस टेबल की, तो अच्छा खासा हैवी भी बनता है और बहुत ही ड्यूरेबल रहेगा, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। एक अच्छी लकड़ी पे इसको बनवाइएगा, किसी भी फर्नीचर वाले से आप पूछ लीजिए, वो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज दे देंगे। मेरे पास कुछ इस तरह की एक टेबल थी, ये भी जुगाड़ से बनाई हुई टेबल है और उसका टेबल टॉप मैंने कुछ इस तरह से यूज़ किया है। तो ऐसे भी आप किसी टेबल पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी थीम पे भी रेडी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक और गोल्डन बनाइए, कंक्रीट के साथ डार्क कलर यूज़ करिए, आपको कुछ इसी तरह का लुक देखने को मिलेगा। ट्रे के लिए सिर्फ आपको करना क्या है, जब आप कंक्रीट डालें उससे पहले ही इसमें हैंडल लगा दें और पीछे छोटे छोटे से आप प्लास्टिक के या लकड़ी के गुट्टक आते हैं उसको फिट कर दीजिए, उसके बाद सारा रेजन और कंक्रीट का काम कीजिएगा। आई होप कि इस पूरे वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और कुछ नया सीखा होगा या सीखने को मिला होगा, और एक बार जरूर सोच रहे होंगे कि क्या बात है, वाओ अमेजिंग, कंक्रीट के साथ ऐसा भी कुछ बन सकता है, टेबल टॉप भी बन सकता है, प्लांटर भी बन सकता है, वॉल डेकोर भी बन सकता है, ट्रे भी बन सकती है। अब सोच लीजिए, ये तो मेरी स्ट्रेटेजी थी, मेरी थिंकिंग थी। अब आप लोग यहाँ से आगे सोचिए कि आप लोग और क्या चीजें इसका बना सकते हैं, और अगर कुछ नया बनाते हैं और अच्छा लग रहा है ये चैनल, तो हो सके तो इस पे आप लोग अपनी भी जर्नी थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं, मुझे भी कुछ आप लोगों से नया सीखने को मिल जाए, क्या पता। देखिए, सीखने की कोई लाइन नहीं होती, कोई ये नहीं होता कि नहीं यहाँ से नहीं सीखेंगे, यहाँ से सीख लेंगे। सीखिए, कहीं से भी सीखिए, मैं भी आप लोगों से कुछ ना कुछ सीख लेती हूँ। तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा कि आप लोगों ने इस कंक्रीट के साथ कुछ नया क्या बनाया है। थैंक यू सो मच कि आप लोग इसे भी लाइक करिएगा, पसंद करिएगा। तो चलिए, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो, नए क्रिएटिविटी के साथ, नए क्रिएशन के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।